गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे आई टीच यू यूज द करेक्ट साइन प्लस आर माइनस। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे साइन लगता है प्लस, ये कैसे ये पता हम करते हैं कि प्लस है कि माइनस है। तो देखिए यहाँ पे इधर है 38 और बीच में ये बॉक्स बना हुआ है और इधर है 10, फिर है इक्वल टू 48। तो ये तो आपका डन है, यानी किया हुआ है। तो चलिए अगला देखते हैं। इधर देखिए, इधर है 42, बीच में बॉक्स है, इधर है 23, फिर है आपका इक्वल टू 65। यानी ये हमको ये पता करना है कि ये एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है। यहाँ क्या हम करेंगे तो 65 आएगा। तो ये देखिए, एक तो पहले ऐसे ही पता चल जाता है कि इधर वाला जो नंबर रहता है तो उससे जो इक्वल टू वाला नंबर रहता है, अगर देखा जाए तो अगर अधिक रहता है तो इसका इससे ही पता चलता है कि ये आपका एडिशन है। और अगर इससे ये वाला नंबर कम रहता है या उसके इक्वल रहता है तो मान लीजिए कि वो सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जब हम कोई नंबर प्लस करते हैं तभी ये अधिक होता है, और जब अधिक होता है यहाँ का नंबर तो ये समझ लीजिए कि ये आपका एडिशन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका 42, 23 इक्वल टू 65। तो यहाँ देखिए 42 से ये 65 जो है वो अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 42 लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे 23, और इसको देखिए हम प्लस करते हैं तो आता है 2 और 3 5 4 और 2 6। यहाँ जैसा कि आया है आपका 65, यानी हमको ये पता चल रहा है कि ये आपका प्लस है। तो यहाँ हम पहले प्लस का यहाँ साइन लगा देंगे। तो ये देखिए आपका प्लस हो गया। और अगर इसको हम सब्ट्रैक्शन करके, अगर हमको कुछ शंका होता है तो इसको हम सब्ट्रैक्शन करके भी देखते हैं। देखिए ये है आपका 42 23, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ है 2। तो जैसे आपको बताया गया है कि इधर से हम बोरो ले लेते हैं तो ये आपका 12 हो जाता है, और 12 में से 3 निकालेंगे तो होगा आपका 9, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। तो अगर ये सब्ट्रैक्शन रहता तो यहाँ आंसर 19 रहता, लेकिन यहाँ पर है आपका 65, इसलिए ये आपका एडिशन है। तो यहाँ आपका साइन जो है वो प्लस का लगेगा। फिर देखिए इधर है आपका 67 और यहाँ है 15 इक्वल टू आपका है 52। तो यहाँ देखिए इससे ये नंबर कम है, तो इससे आप खुद सोचिए कि इसमें से कुछ निकाला गया है तभी तो ये कम हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सब्ट्रैक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज़ 5 है, और उसमें से आप देखेंगे कि फिर कि वो कैसे 4 हो गया है या 3 हो गया है। तो जब आप उसमें से कुछ देंगे तभी तो वो 4 या 3 होगा, या किसी से आप लेंगे तो आपका अधिक हो जाएगा, और जब किसी को देंगे तो कम हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए, इसका मतलब कि ये जो है 67 में से 50 निकाला गया, या ये 15 नंबर किसी को दिया है तो फिर ये नंबर आपका कम हो गया और यहाँ पर आपका 52 आया है, इसलिए ये आपका सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ आपका माइनस का साइन लग गया। फिर देखिए इधर आपका है 40, फिर इधर है 20 इक्वल टू हो गया है आपका 60। तो ये देखिए जैसा हम बताए हैं कि यहाँ से यहाँ आपका 40 और इससे ये नंबर आपका अधिक है। तो इसका मतलब कि ये किसी से लिया है, इसमें कोई नंबर ऐड किया गया है, तो इसमें 20 जो नंबर है वो ऐड किया हुआ है, तब जाकर कि ये 60 है। आप साइड में कहीं आप ऐड भी कर सकते हैं क्लियर करने के लिए। जैसे कि देखिए हम दिखा भी दे रहे हैं, यहाँ 40 है और प्लस आपका 20, तो हो गया आपका 0 0 0 और 4 और 2 6। तो देखिए आपका 60 है यहाँ, तो इससे आपका ये क्लियर हो गया कि ये आपका एडिशन है, इसलिए हम आपका हम प्लस का साइन बना देंगे।
फिर देखिए यहाँ है आपका 54, इधर है 14, इक्वल टू हो गया है 68। फिर यहाँ भी देखिए इससे ये नंबर अधिक है, तो इससे ये क्लियर है कि आपका ये एडिशन ही है। तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, आप कहीं रफ पर इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ है आपका 80 और इधर है 10, इक्वल टू हो गया है 70। तो ये देखिए यहाँ पर फिर इससे ये नंबर कम है, यानी ये अपने में से कुछ नंबर जो है वो किसी को दिया है या उसका वो नंबर कम हुआ है, यानी इसमें से निकला है, इसलिए ये आपका हो गया सबट्रैक्शन। तो यहाँ हम माइनस का साइन बना देंगे। अब इसको आप होमवर्क में नोट करिए, 79, फिर बॉक्स बनाइए और 10 इक्वल टू 69, फिर 60 बॉक्स बनाइए, 29 इक्वल टू 31, फिर 26 बॉक्स, 16 इक्वल टू 42, 30 बॉक्स, 22 इक्वल टू 10। और समझ में नहीं आएगा तो अपने मम्मी पापा या दीदी भैया जो भी बड़े लोग होंगे उनका हेल्प ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।